नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर से। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। करें जिससे प्रयाग का परचम जैसे लहरा रहा है वैसा ही लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आयोजक कर्ता के रूप में भाई उदय प्रताप सिंह जी का और यहाँ संचालन कर रहे भाई अभिषेक ठाकुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती बंदा गुप्ता जी, माता श्री अमित बयासी के प्रत्याशी श्रीमती सुंदरी निषाद जी, वार्ड नंबर 99 के प्रत्याशी, ये पांचों से वो जो प्रत्याशी हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आगामी 4 तारीख को अभी इसके तुरंत बाद हम सभी के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी का, ओजस्वी भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी आदरणीय श्री नरेश केसरवानी जी भी आ रहे हैं। प्रयाग महानगर की ओर से पूर्व वफादार भी हैं। हालांकि चाणक्य कहते थे कि जो वफादार है जरूरी नहीं कि जिम्मेदार हो, और जो जिम्मेदार है जरूरी नहीं कि वो समझदार हो। लेकिन प्रयागराज में जब कोई संगम नगरी में आता है तो यहाँ लोग वफादार भी हैं, समझदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। इसलिए यहाँ पर उपस्थित, अब वैसे तो आप जानते हो प्रचलन के राशा जी दो बार इस नगर की प्रथम महिला रही हैं, और मैं महापौर 11 साल रहा हूँ लखनऊ में, और मैंने देखा है कि राशा जी ने बहुत अच्छा काम, एक महापौर के रूप में, एक श्रेष्ठ महापौर के रूप में काम किया। ऐसे ही अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष की जगह वो आदरणीय ब्रजेश जी, और वैसे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिनको हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे आदरणीय यज्ञदत्त शर्मा जी, आदरणीय प्रभा शंकर, एकजुट होकर चलने की शक्ति भी है, और ये सारी संगम नगरी का प्रभाव है, और इस प्रभाव के कारण हम लोग पूरे भारतवर्ष में कहीं चर्चा आती, जब कुंभ आता है तो कुंभ पवित्र नगरी प्रयागराज हमें याद आता है, और प्रयागराज में जो व्यवस्था योगी जी ने की थी मुझे याद है कि उसके पहले जब सपा राज्य में प्रयाग कुंभ हुआ था तो बाहर के जो विदेशी लोग आए थे तो उन्होंने पानी में नहाने से मना कर दिया था। अब की आए कोई मॉरिशस के राष्ट्रपति वगैरह थे तो मैं साथ में था, तो उन्होंने कहा अभी वो कूद कूद के नहा रहे थे और आचमन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने हमको पूरा विवरण बताया कि पिछले बार हम सब लोगों ने स्नान नहीं किया था, अब की यहाँ स्नान भी किया, और सफाई की व्यवस्था को देख कर मुझे लगा कि आज भारतवर्ष बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। खुदा हुआ सड़क था और बहती हुई नाली थी, और जो हिंदू और मुसलमान हमारा जो भाई था वो असहज महसूस करता था, लेकिन समय का बदलाव आया, पूरे भारतवर्ष में जो विकास की गंगा बही है, आज उत्तर प्रदेश जो पहले नीचे से हर चीज में चलता था, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश 33 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आते थे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब पूंजी निवेश करने के लिए यहां उन्होंने भी मीट बुलाई थी अमर सिंह ने, और उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने से मना कर दिया, और उनका साहब उत्तर प्रदेश हम लोग नहीं जाएंगे, जान को खतरा है, तो मुंबई में उनको पूंजी निवेश की जो मीट थी वो मुंबई ने बुलानी थी, और अब की लखनऊ में हुई छाती ठोक कर और डंके की चोट पर हुई, और सारे लोग आए, 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश को जहां कट्टे बनाने के लिए प्रसिद्ध हो रहा था कोई इलाके, जहां तमंचा वाले कुछ इलाके कहलाने लगे थे,
जहां क्षेत्र बट गया था, ये फलाना फलाना माफिया का क्षेत्र, फलाना उसका क्षेत्र, वहां वो क्षेत्र बटे हुए थे, उनको विकास करने के लिए नहीं आता था। योगी जी के राज में जाति पात से अलग हटकर, कोई धर्म और संप्रदाय से अलग हटकर विकास के काम हुए और उनके कारण जो माहौल बना, आज लोग यहाँ पर पूंजी लगाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, आज अमृत योजना चल रही है, आज सड़क नाली खड़ंजा का जो विकास हो रहा है, जो तार लगे दिख रहे ना, ये पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इस आपके प्रयागराज महानगरी के लिए, कि आज जमीन के अंदर डक्ट बनेगा और डक्ट के अंदर ही सारे ये तार जाएंगे, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो, जानवरों के लिए अलग व्यवस्था कान्हापुर प्रोजेक्ट के स्तर पर हो, बीजेपी का है, आपके केंद्र में और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। अगर नीचे पार्षद बीजेपी का नहीं हुआ, अगर महापौर बीजेपी का नहीं हुआ, तो जो दौड़ने वाली विकास की यात्रा है वो यात्रा बाधित हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मैं चुनाव लड़ रहा था और बहुत बुखार था अटल जी को, दोबारा मैंने किसी नेता की सभा नहीं करी। फिर दूसरा पहला चुनाव 2006 में लड़ा तो एक सभा पूछिए अटल बिहारी वाजपेयी, टीवी में उनके आखिरी चुनाव का मैं देख रहा था, उनके लोकसभा का, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दिया एक दिन पहले चुनाव के, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे चुनाव में आएंगे, बोला आऊंगा। जब आए 104 बुखार था, लेकिन वादा करके वो वादाखिलाफी नहीं करते थे। अटल जी आए, धीरे धीरे चढ़ते गए, बोलूंगा हमारा नेता कैसा हो, तो लोग चिल्लाए अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी के पैर में दर्द था, बोले नहीं, जो चलने वाला हो, जो मजबूत हो और आपके साथ काम करे, वो आपका आपके शहर का नेता होना चाहिए। अब मैं एक अनजान आदमी में कैसे समझूं, लेकिन अटल जी का मैं उस मंतव्य को बता रहा हूं, क्या बोल नहीं सकते थे, ज्यादा बीमार थे, आकर वो खड़े हुए तो लड़का हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। एक कार्यकर्ता थी वहां पर संभवतः शांति देवी, जोर से खड़ी हुई, हमारा नेता कैसा हो, आज अटल जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वॉइस है, राशन बटा ना, 10 किलो राशन बटा, वो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, और अगर अगर यहाँ पर आपने देखा होगा कि मकान मिला, तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, अगर अगर यहाँ